ये तुम लोग ये मुसलमान गौ माता की हत्या कर रहे हैं, गौ माता की सत्यानाश कर रहे हैं, किसको सपोर्ट कर रहे तुम लोग? बीफ एक्सपोर्टर को सपोर्ट कर रहे तुम लोग। जाके देखो तुम लोग गौ रक्षक बोलते हैं ना स्वामी लोग, कुछ लोग बहुत बड़े बड़े बात बोलते थे, जाओ देख कर देखो अभी गौशाला में ये बिजनेस बना करके वो लोग तुम्हारे जो गौ रक्षक इतना मार रहे हैं उनको, एक जगह पर हिलने नहीं हो रहे हैं, उनको मार मार के उड़ा कर लेकर जा रहे हैं। गौ रक्षा के नाम से अत्याचार कर रहे तुम लोग गौओं के ऊपर। मुसलमानों कुछ फर्क नहीं पड़ा, मर रहे गरीब फार्मर्स लोग, रो रहे फार्मर्स इस बीजेपी सरकार के खिलाफ। बहुत सारे बैल को उठने नहीं आ रहे, चलने नहीं हो रहे, उठने का नहीं आ रहे अभी। ये पुलिस जो उठा कर लेकर सिंगम पिंगम चिंगम ये नाम से ये कर रहे थे ना, उसका पाप तुमको लगता। इतने लोग ये जो मटन खाते महीने में 2-3 बार गरीब लोग परचेज करके खा लेते हैं। गुलबर्ग में जितना भी गौशाला में जो गाय हो जो तुमने चीज किया, बहुत सारे गाय गौ माते गायब है, उसका रिपोर्ट है तुम लोगों के पास या डीसी के पास है? वो कहाँ गया गाय? यहाँ से सीधा हैदराबाद गया, हैदराबाद बीफ एक्सपोर्ट कंपनी जाकर वहाँ कटवा कर पूरा आउट ऑफ प्रिंट सपोर्ट करो तुम, एक्सपोर्ट करो तुम। गौशाला के नाम से सीज कर लेकर जाना उनको, यहाँ एक्सपोर्ट करना वो गौशाला वाले, गौशाला एंड पुलिस डिपार्टमेंट बीफ एक्सपोर्ट, सब तीनों में लिंक है। देखिए हमारे जो जानवर कुछ लोग जानवर लेके, अगर वो जिंदा नहीं मिलता, जिंदा नहीं मिलता ना, किसके बाप से हम छुड़ा सकते हैं। कॉल स्लॉटर एक्ट के तहत गुलबर्गा शहर में बकराईद के मौके पर पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से पकड़े गए तमाम गायें और बैल को रटकल विलेज में मौजूद गौशाला भेजा जा रहा है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं हागरगा विलेज के करीब कुछ लोग गाय और बैल को ट्रक में भर गौशाला ले जाते नजर आ रहे हैं। तमाम गायें बैल को गौशाला ले जाता देख दलित सेना प्रेसिडेंट हनुमंत तिरसंगी ने कहा, जो बकरा ईद के मौके पर गायें बैल पकड़े गए हैं इसमें कई जानवर गरीब किसानों के हैं जिन्हें खेतों से उठाया गया है। पिछले कई दिनों से जानवरों को एक जगह रखा गया था। हनुमंत तिरसंगी ने कहा, इनकी हालत देख ऐसा लग रहा है इन जानवरों को अब तक कुछ खिलाया नहीं गया, जिसकी वजह से ये बेहद कमज़ोर हो गए हैं और कुछ जानवरों को ठीक से चला भी नहीं जा रहा है। इन गाय बैल को देख ऐसा लग रहा है खुद को गौ रक्षक बोलने वालों के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो उनको कुछ खिला सकें। कॉ स्लॉटर एक्ट के नाम पर ये लोग गरीब किसानों के गाय बैल ले जा रहे हैं। बीजेपी गवर्नमेंट मुसलमानों को टारगेट कर कॉ स्लॉटर एक्ट तो बनाई है, पर इसमें मुसलमानों से ज़्यादा किसान परेशान हैं। हनुमंत तिरसंगी ने कहा, खुद को गौ रक्षक बोलने वाले लोग इस तरह गाय बैल पकड़ कर गरीब किसान और मुसलमानों को परेशान कर ये जानवर बीफ एक्सपोर्ट कंपनीज को बेच रहे हैं, जिसमें कुछ बीजेपी लीडर्स भी शामिल हैं। कानूनी कार्रवाई कर गरीब किसानों के गाय और बैल उनको वापस दिलाया जाएगा। अगर इसमें एक भी जानवर की लापरवाही से मौत होती है या किसी जानवर को बीफ एक्सपोर्ट कंपनीज को बेचा जाएगा तो पुलिस डिपार्टमेंट और ख़ासकर गौ रक्षक से पूरा हिसाब लिया जाएगा। गुलबर्गा में ये जो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट काउ स्लॉटर एक्ट के नाम से जो जितना भी काउ गाय हो या बैल हो या भैंस हो ये सब पकड़ कर लेकर गए वो लोग काउ स्लॉटर एक्ट के अंदर, ये किसी ये काटने के लिए लेकर जा रहे तो डाउट आकर हमने उठा कर लेकर आए बोल के लेकर गए। ये मुझे लगता है 300-400 के ऊपर यहाँ गुलबर्गा पुलिस सीज करके जो खेत में से लेकर उठा कर लेकर गया, घर के अंदर जो बैलन उसके बच्चे थे वो उठा कर लेकर गए। ठीक है, जो कर रहे आप गौ माता की रक्षा के लिए जो कानून लाए थे हमारे सरकार वो उसका पालन कर रहे आप। जो फार्मर्स के खेत में घुसकर जो तुमने कुछ काव गाय लेकर गए हैं और कुछ बैल लेकर गए काव जो गाय के बच्चे लेकर गए तुमने, तो कहाँ रखे अभी वो जो गाय बैल भैंस का हाल बेहाल हो गया तुम। गो रक्षा के नाम से अत्याचार कर रहे तुम लोग गौओं के ऊपर, बहुत खतरनाक है। और वो उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं डाले तुम लोगों ने, एक एक गाय बैल भैंस चलने के नहीं आ रहे। जो क्या कर रहे पुलिस डिपार्टमेंट सरकार क्या कर रहे अभी, सरकार को शर्म आना चाहिए ना। तुम बोलते बड़े बड़े नाम बोलते कि हमने ऐसे गौ रक्षा, अरे सत्यानाश करे गौ को लेकर के उठा के लेकर एक चारा ये वंद सूट खणकी हाँ का ताकत निम्गिल्ल। जो सरकार चलने वालों को खाली ऑर्डर कर देते उठा कर लेकर आओ बोल के उठा कर लेकर तुम्हारा गुलबर्ग जाको गौशाला में जाके देखो अभी
बहुत सारे बैल को उठने नहीं आ रहे, चलने नहीं हो रहे, उठने का नहीं आ रहे अभी। अत्याचार, तुम्हारे जो गोरक्षक कितना मार रहे हैं उनको, एक जगह पर हिलने नहीं हो रहे, उनको मार मार कर उड़ा कर लेकर जा रहे हैं। और एक बात, जो फार्मर्स है, गरीब जो एग्रीकल्चरिस्ट है, उसने जो फार्मर्स जो उनके पालन पोषण करके कोई बीमार है और कोई काम नहीं कर सकता, वो बेच के अभी इस सीज़न में जो उनका फर्टिलाइज़र हो, कुछ बीज वीज कुछ हो, और बच्चों के एडमिशन के लिए कुछ एक बेच के कुछ अपने काम करवा देते, वो लोग वो बंद हो गए। वो मुसलमान परचेज कर रहे ये लोग मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए जो प्लान करके तुम उठा कर लेकर जा रहे हैं ना, कुछ मुस्लिम कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, मुसलमानों कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, मर रहे गरीब फार्मर्स लोग, रो रहे फार्मर्स इस बीजेपी सरकार के खिलाफ, बीजेपी सरकार के नाम से। और जाके देखो, तुम लोग गोरक्षक बोलते हैं ना स्वामी लोग, कुछ लोग बहुत बड़े बड़े बात बोलते थे, जाओ देख कर देखो अभी गौशाला में ये बिजनेस बना कर रखे लोग, बिजनेस ये थोड़ा देखना चाहिए। अब ये पुलिस जो उठा कर लेकर सिंगम पिंगम चिंगम ये नाम से ये कर रहे थे ना, उसका पाप तुम्हें को लगता, तुम्हारे बीवी बच्चों को लगता, जो जो गरीब फार्मर को सत्यानाश कर रहे और वो गाय जो उसको सत्यानाश कर रहे, तुम लोग देख जाके देखो, मालूम होता कि वो तुम्हारे नाम से रो रहे, तुम्हारे कानून के नाम से रो रहे। तो मैं भी देखता हूँ अभी अभी हमारा कुछ है, पर हमने केस कर दिया, वो जो हमने सीज कर लेकर गए वो जो अभी हमने आज ही मैंने अभी डीसीपी गुलबर्गा, ये जो सिटी का डीसीपी साहब है उनसे मिलकर आया हूँ। जो डीसीपी साहब ने हमें बोला कि ये लोग हमने सीज कर रहे थे उस टाइम, जो फार्मर्स है वो अपनी वो कुछ रसीप्ट नहीं दिखाते, इसलिए तो हम लेकर आए, अगर वो लेकर जो उसका रसीप्ट दिखाते तो हम ये करते हैं। और तुम्हारा ये जो एक्ट में ये है, ये ऐसी असिस्टेंट कमिश्नर केस चलाना है, असिस्टेंट कमिश्नर के पास हम आज फाइल करते तो 15 दिन तक वो सही नहीं करती, 15 दिन तक फाइल उठा कर नहीं देखती हो, ये नया है IAS है, सेपरेट कोर्ट एस्टेब्लिश करो, तुम प्रोविजन है सेपरेट स्पेशल कोर्ट ही ये करना है ना। वो उनके हजारों काम है, बारिश आ रहे, लोग मर रहे, वहाँ AC बिजी है, तुम जो फाइल करते जो जान बैल हमें रिलीज कर फाइल करते पिटीशन, तो 15 दिन तक वो नहीं देखती। मैंने फाइल किया इधर, अभी तक AC के पास नहीं गया फाइल, सेक्शन में जहाँ फाइल किया वहीं बैठ पड़ा है उधर। अरे यार, तुम बीजेपी सरकार चलने वालों को दिमाग अच्छा होना चाहिए, तुम सब साले पागल है सरकार चलने वाले, तुमको मालूम नहीं हो रहा है क्या हो रहा है बोल के, बर्बाद कर रहे रहित लोगों को, सत्य बर्बाद हो रहे तुम लोग, तुम बर्बाद होते बीजेपी वाले। कितने लोग ये जो मटन खाते, महीने में 2-3 बार गरीब लोग परचेज करके खा लेते हैं, महीने में 2-3 बार, रोज़ तो नहीं खाता कोई। ये तुम लोग ये मुसलमान गौ माता की हत्या कर रहे, गौ माता की सत्यानाश कर रहे, किसको सपोर्ट कर रहे तुम लोग? बीफ एक्सपोर्टर को सपोर्ट कर रहे तुम लोग। और ये जो गाय पकड़ कर लेकर जाते हैं जो गौशाला में, अभी गुलबर्ग में जितना भी गौशाला में जो गाय हो जो तुमने चीज किया, बहुत सारे गाय गौ माते गायब है, उसका रिपोर्ट है तुम लोगों के पास या DC के पास है या पुलिस कमिश्नर पास है, जो तुमने घनौंदोरी वो चिंगम बनकर जो FIR करके सीज करके लाया ना, जो पुलिस ऑफिसर उनको मालूम है, उनके पास रिपोर्ट है, वो कहाँ गया गाय? यहाँ से सीधा हैदराबाद गया, हैदराबाद बीफ एक्सपोर्ट कंपनी जाकर वहाँ कटवा कर पूरा आउट ऑफ कंट्री सपोर्ट कर रहे तुम एक्सपोर्ट कर रहे तुम। अरे एक जो ये जो नाकाम जो काम करने वाला जो एग्रीकल्चरिस्ट को कुछ किसी काम के जो चीज़ नहीं हो, गाय हो या भैंस हो या वो उनको सेल करने के बाद वो उसी के नाम से तुम इतना ये कर रहे हैं, तो डायरेक्ट हज़ारों लाखों गाय रोज काट के तुम आउट ऑफ कंट्री सप्लाई कर रहे हैं ना। यही ये जो गरीब ये जो लोग हैं गांव के लोग हैं, ये लोग कहीं है नहीं, ये नहीं भेजना है लोग, ये परचेज भी नहीं करना, ये लोग डायरेक्ट वही लोग जो ये गौशाला के नाम से सीज कर लेकर जाना, उनको यहाँ एक्सपोर्ट करना, वो गौशाला वाले गौशाला एंड पुलिस डिपार्टमेंट बीफ एक्सपोर्ट, सब तीनों में लिंक है। और यहाँ स्पेशली ये AC ऑफिस में
स्पेशली डिले करते थे लोग, डिले करके एसी कचहरी एसी ऑफिस से पुलिस डिपार्टमेंट से गौशाला वाला वो लोग बीफ एक्सपोर्ट वाला सब चारों लोग मिलकर इनके साथ सपोर्टर बीजेपी सरकार गौ माता की रक्षा के नाम से बीजेपी सरकार वालों उनके सपोर्ट वो लोग इनके इलेक्शन फंडिंग के व्यवस्थित आगल कुत पूरा ರೈತರು ಏನಿದ್ರು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ರೈತ ಜನಾಂಗದವರು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇವತ್ತು ಕಣ್ಣೀರ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಮನೆಯಂದು ದನಗಳು ಎತ್ಕೊಳ್ ತಂದು ಸಂತಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಆಗ್ಲಿ. ಗುಲ್ಬರ್ಗದೊಳಗೆ ಯಾಯಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾಮೆ ಎವ್ರಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಈಗ ದನಗಳ ಜಾತ್ರೆ ಆಗ್ತದೆ, ದನಗಳ ಮಾರಾಟ ಮೇಲೆ ಲಗ್ತೆ ಜೊ ಸೇಲ್ ಕರ್ನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆತ ವಾತು ಉನ್ಕೊ ಸೇಲ್ ಕರ್ನಕ್ಕೆ ಸೇಲ್ ಖಾಲಿ ಪರ್ಚೆ ಸೇಲ್ ಕೆಲ ಗಾಂವಚೆ ಲೋಕ ಯಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತಗ ಲೇಕರ್ ಆತ तो मार्केट आना तक पुलिस चुप पड़ता, आराम से बीड़ी सिगरेट भी पीते रहते. कब जब जाके मुसलमान परचेज करता तुम हो गो माता के, अरे यार तुम अन्ना तेना कैलसा मार रही, अन्ना तेना कैलसा मार रही. हमने वही बोला कमिश्नर को, पुलिस कमिश्नर गुलबर्गा, ये फूड माफिया है ना, ये फूड माफी में बीजे है ये अपना पुलिस कमिश्नर, इससे बाहर आओ बोल के हमने बोल रहे हो. वो गुलबर्ग पुलिस कमिश्नर बाहर नहीं आ रहे हो, पागल हो रहे हो. इतना पैसा आ रहा उनको 30-40 to 50 lakhs रुपये पर मंथ उनको ये मामूली मंथली पुलिस कमिश्नर मिल रहा, आराम से मिल रहा हो, उसी में बीजे हो पुलिस कमिश्नर. हमने बोला भाई पुलिस कमिश्नर तुम तो एवरी सैटरडे जो मेला लग रहा है ना जानवरों का वो बंद कर दो, वहीं तुम्हारा पुलिस फोर्स को वहाँ रख दो. परचेज सेल करने तक बैठते ये कोई गरीब ये खुरेसी कम्युनिटी को वो परचेज करने के बाद तुम्हारे आदमी को पैसा मिलने के बाद ये चीज़ करने का नाटक करते हैं. सबको मालूम हो रहे ये तुम लोग नाटक करे बोल के, यही बंद कर दो, सब बंद हो जाता. ये वन कम्युनिटी को टारगेट करके पूरा जो फार्मर कम्युनिटी को सत्यानाश कर रहे ये बीजेपी सरकार, ये पुलिस आगे रखे, ये पुलिस लोग हाय हाय बोल रहे पुलिस डिपार्टमेंट को. या हमने बोल दिया कि अभी मुझे लगता है इसको बंद हो गया गुलबर्गा में, ये हम बोल रहे कि हम भी गो पालक के गो रक्षा के, हम गो खाने वाले नहीं है. तुम लोग जो कानून के नाम से जो लूट रहे हैं ना, कानून के नाम से जो बीफ एक्सपोर्ट को सपोर्ट करना, पहले ये बंद करना चाहिए. और ये जो केस है काउ स्लॉटर एक्ट के, जो प्रिवेंशन ऑफ काउ स्लॉटर एक्ट है, उसी के लिए स्पेशल कोर्ट ये एस्टेब्लिश करना है. वो करने के नहीं हो रहे तुमको, हज़ारों गाय भैंस अभी मर रहे उधर, चारा नहीं उसको डालने के लिए. इतना ये नहीं तो क्यों पकड़ते भाई. उनका जो शाप किसको लगता, तुम ही लोगों को लगता, बीजेपी वालों को, स्वामी संत लोगों को. मैं देखता हूँ अब क्या हो रहा है, मैं देखता हूँ अभी कल सर, उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देंगे जिनके जानवर पकड़े गए हैं बिलावज है, वो लोग कैसे अपने जानवर छुड़ा सकते हैं? उनके पास रिसिप्ट होना, उनके पास रिसिप्ट होना, जिसके पास परचेज करके लेकर आ रहे हैं उनके पास भी रिसिप्ट होना, और जो सेल कर रहे हैं उनका भी उनके मालूम होना. ये लोग अभी जो जानवर हो गाय पकड़ने के लिए आता पुलिस डिपार्टमेंट, उनको बोल देना कि देखो भाई ये हमने परचेज कर रहे, ये हमारा रिसिप्ट है, ये सरकार जो APMC डिपार्टमेंट से जो ये रिसिप्ट है हमें, ये कोई नहीं माँ के लौड़े ये हम हाथ नहीं लगा सकता. तो अभी पकड़ना है तो जो हमें सेल किया ना APMC वालों है ना, APMC वालों के पास जाके ये हमारे पास परचेज किया है या नहीं किया, जो वो लोग किस गांव के लोग हैं जो हमें एग्रीकल्चर प्रपोज के सेल किया नहीं किया वेरीफाई करके फिर हमारे पास आओ, नहीं तो जूते से मारेंगे बोल के ये लोग भी बोलना सीखना, ये लोग बोलना सीखना. जो पुलिस आता है तो पुलिस आने के बाद जो भाग जाते हैं और उनके एक रिसिप्ट नहीं दिखाते, वो लोग वही बोल, DCP वही बोल, ये लोग हम जो लेकर आए हैं उनका जो रिसिप्ट नहीं दिखा ना इसलिए हमने उठा कर लेकर आए, वो हमें प्रोड्यूस करो, हम बाकी अगले नहीं करते बोल के. ये लोग हमारे लोग ऐसा करना ना, जो हमारे फार्मर्स है वो भी बोल रहा है ना भाई देखो हमने इससे तो पूरा आना, वो लोग सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने, लोग तकलीफ सबको हो रहा है. मुसलमान छोड़ दिए वो लोग, बैल भैंस गाय परचेज करना छोड़ दिए वो लोग, बकरी काट रहे बकरी सेल कर रहे, मरते गरीब बेचारे लोग, गांव के फार्मर्स मरते हैं, अभी छोड़ दिए वो लोग. तुम किसको मार रहे, तुम गरीब किसानों को मार रहे, और किसी की वजह से बीफ एक्सपोर्ट को सपोर्ट करने की वजह से. बीफ एक्सपोर्ट के पीछे कौन है, यही नरेंद्र मोदी एंड कंपनी के टीम है. तो नरेंद्र मोदी एंड कंपनी को सपोर्ट करने के गांव के गरीबों को मार रहा था तुम लोग, ये बंद होना, ये भी बंद करने के ये भी टाइम आता, देखेंगे
ये भी टाइम आता है। गौरक्षा के नाम पे जो जानवर पकड़े गए थे अभी उनको जो अभी आपने जो कहा खाना उनको नहीं दिया जा रहा, भूखे नजर आ रहे हैं, अगर उसे में उनकी मौत होती है तो इसका जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार सरकार जिम्मेदार होता है, उसको कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं। हम रिलीज करवाते हैं ना, इसके बाप से मैं निकलवाता हूँ वो लेके हमारे जो जानवर, कुछ लोग जानवर लेके, अगर वो जिंदा नहीं मिलता ना, इसके बाप से हम छुड़ा सकते हैं, ये करेंगे, वो भी प्रावधान है। मेरे गाय है और मेरे पास रिसिप्ट नहीं है, मैंने जो काटने के लिए लाए बोल के तुम लेकर गए, मैं सिद्ध करता हूँ कि मैंने परचेज किया था एग्रीकल्चर पर्पज के लिए, तो ये तो माना पड़ता तुमको, मेरे पास एग्रीकल्चर है, लैंड है, मेरे पास और भी गाय है और भैंस है और बकरी है, सब कुछ है, तो मैंने लेकर आया, तो दूध के लिए लेकर आता, एग्रीकल्चर पर्पज लेकर आता, तो ये तो मानना पड़ता कोर्ट को, रिलीज करो भाई, इनका गाय बोल देता, एग्रीकल्चर बैल बोल देता, वहाँ नहीं रहता वो, तुमने बीफ एक्सपोर्ट सेल कर देते, कहाँ से लेकर आते? हम नहीं छोड़ते, नंगा करते तुम लोगों, पुलिस डिपार्टमेंट वालों को, एसी डिपार्टमेंट वालों को, सरकार को।